नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का मुख्य परीक्षा की संग्राम सीरीज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे कंपटीशन कमेटी और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर वीडियो का 4। यानी कि इससे पहले भी संग्राम सीरीज का 3 वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि उन 3 वीडियो देखने के बाद आप लोग को अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखे होंगे और क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको समझ में आया होगा। हालांकि प्री में मेरे क्वेश्चन के अप्रोच करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। आप लोग जो बच्चे मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे रेगुलर, क्योंकि कंपटीशन कम्युनिटी की एक नया चैनल है जिसमें वनडे एग्जाम एसएससी बैंक रेलवे पे फोकस किया जाता है, इसका नाम है युवा इंप्लॉयमेंट। तो युवा इंप्लॉयमेंट पे हम डेली आप लोग को लाइव मिलते हैं 11 बजे। तो कोई बच्चा अगर मान लो कि मुख्य परीक्षा के अलावा अगर मान लो आप व्यापम या पीएससी या किसी और भी एग्जाम की फोकस कर रहे हैं तो आप हमारे साथ डेली युवा इंप्लॉयमेंट पे 11 बजे मुलाकात कर सकते हैं डेली। वो हमारा ना वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बिल्कुल लाइव क्लास रहता है, लाइव रहती है 11 बजे, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन ये मुख्य परीक्षा का सीरीज चल रहा है तो यहाँ पर आपकी जो अप्रोच होगा बिल्कुल मुख्य परीक्षा की तरह ही होनी चाहिए। ठीक, चलो किसी को भी मैथ्स कंप्लीट पढ़ना होगा तो आपके पास ऑप्शन बता दिए, युवा इंप्लॉयमेंट चैनल का नाम है युवा इंप्लॉयमेंट। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आइए हम आज के क्वेश्चन में प्रयास करेंगे कि ऐसे सवालों को लिया जाए जो आपके पेपर में आ चुका है और वहां पर आपको कुछ नई अप्रोच सीखना पड़ेगा। राइट, चैनल का नाम जो है वो युवा इंप्लॉयमेंट है, युवा इंप्लॉयमेंट, जहां पर आप मुझसे डेली मैथ किसी वनडे एग्जाम का फ्री पढ़ सकते हैं। सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, जीएस भी मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इवन वीकली करंट अफेयर भी इस चैनल पे आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो तो अब शुरुआत करें क्या। देखिए गाइस बराबर से सबसे पहले क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का करा रहा हूं, 2 मार्क्स पे कंप्यूटर के लगातार सवाल बन रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स में जब भी क्वेश्चन बनेगा कंप्यूटर से बनने की चांसेस है। तो कंप्यूटर के हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में तो कंप्लीट पढ़ाई दिया हूं, लेकिन आज एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूं। आपको करना क्या, समझिए ध्यान से, एक बाइनरी नंबर है जिसको आपको डेसिमल में चेंज करना होगा। ठीक है सर, 2 मार्क्स में तो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन लिखिएगा, हल हल क्या करना है, इसको हम लोग क्या करने हैं डेसिमल में चेंज करेंगे, क्या करेंगे डेसिमल में चेंज। तो चेंज करने के लिए यहां पे है ना, आइए कुछ नहीं करते, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग संख्या को लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, समझो सारे बच्चे, संख्या, संख्या कितना जल्दी बताओ, संख्या सर हमारा है 1 1 0 1 1, एकदम मेंस वाले प्रो से लिखेंगे हम लोग। अब इनका स्थान ही मान, क्योंकि बाइनरी में करोगे बेस कितना होगा बेटा 2 होगा, ये बात समझिएगा। तो स्थानीय मान, संख्या लिखे स्थानीय मान, कैसे लिखोगे 10 शुरू करो, यहाँ पे लिखो 2 to the power 0 बेटा, ये 2 to the power 1, ये 2 to the power कितना होगा बोलो 2, ये 2 to the power 3 और ये 2 to the power कितना हो जाएगा बोलो 4 होगा। बात समझा क्या, जो भी नंबर है इसके आप देखो बाइनरी से कहां जा रहे हैं हम लोग डेसिमल में, तो बाइनरी का बेस कितना होगा 2, तो आप क्या करो 2 का power रहना चलेगा। अब मान लो कि आप हेक्सा से अगर मान लो हेक्सा से डेसिमल जाएंगे हम लोग तो स्वाभाविक है हेक्सा आपको समझना पड़ेगा इसका बेस कितना होगा, ऑक्टा से जाएंगे तो उसका 8 होता है, हेक्सा का 16 होता है, तो उस तरह से आगे बढ़ते हम लोग है ना। तो अब क्या करना है सर, हम लोग कुछ नहीं करना है, आप समझ सारे बच्चे पहले सोल्यूशन करो है ना। तो आप हम लोग क्या करते हैं समझो, तो ये जो नंबर है ना ये इसको पर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो ये 1 into 2 to the power 4, ठीक है समझ जाने से, प्लस यहाँ पे देखो 1 into 2 to the power कितना 3, प्लस बाद रहो 0 into क्या करना है आपको 2 का whole square करेंगे, प्लस बाद रहो 1 into 2 to the power कितना होगा जल्दी से बोलो 1, प्लस 1 into 2 to the power 0। अब इसको एक बार हम लोग बराबर से सोल्व कर लेते हैं, चेंज कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 का power क्या होगा 4 16 16 × 1 का मतलब 16 होने वाला है, प्लस 2 का क्या होगा क्यूब, 2 to the power cube into 1 क्या होगा बेटा 8 होगा, जोड़ लीजिए फटाफट से सर, 0 into something करोगे तो 0 ही मिलने वाला आपको, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा बेहतर, और यहाँ पे आपको जो मिलने जा रहा हो क्या मिलेगा फटाफट से कमेंट करना सर। किसी का भी पावर अगर 0 होगा उसका मान 1 होता है, ये बात आप सारे बच्चे जानते होंगे, तो यहाँ से भी आप बोल सकते सर ये हमारा 1 होने जा रहा है। राइट, तो जब सभी को जोड़ने जा रहे हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सर, ये 24 24 13 कितना होगा 27 27, और हम लोग जा रहे हैं डेसिमल में तो डेसिमल का बेस कितना होता है बेटा बोलो 10 होता है ना, इस बात को समझना होगा। तो अतः अतः लिखिएगा अतः 1 1 0 1 1 2 equal to कितना होगा बोलो 27, बेस कितना होगा 10, दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर जिसको आप लोगों ने बदल दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर लिख देना आपको सीधा सीधा, देख लो भैया है ना। तो ये परफेक्ट तरीका जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा, आपको सब कुछ बैलेंस दिख रहा है इसमें, कुछ भी हमने ना हमारे लैंग्वेज हम पे हावी पड़ रहा है ना हमारी कैलकुलेशन हम पे हावी पड़ रहा है,
ठीक है, तो दो मार्क्स में सवाल को उम्मीद करता है कि आप लोग लिख के आएंगे और आपको पूरी पूरी दो मार्क्स मिलने जा रहा है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया 2016 के मेंस में दो मार्क्स में, दो मार्क्स से क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली बेटा परसेंटेज से पूछा गया था, देख लीजिए। एक संख्या आपने 15% से 17 अधिक या संख्या ज्ञात करिएगा, अगर आपको इंग्लिश में और हिंदी वाले दोनों बच्चे समझना। सबसे पहले लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, है ना, माना संख्या एक बराबर, माना कि संख्या इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर इक्वल टू कितना होगा बेटा, नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। हम लैंग्वेज हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बेटा क्या है हिंदी मीडियम के है, जबकि मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम में लिखता हूं चीजें, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो ज्यादा है ना, जिस जनता का मेजोरिटी है उस जनता का बात मानना पड़ेगा आपको, लोकतांत्रिक सरकारें चलती है तो आपको पता ही बात। चलो बोला कि संख्या का समझो कि संख्या जो है ना, ये संख्या क्या होगा, उस संख्या का 15%, इस संख्या का 15% जब निकालोगे इससे कितना ज्यादा बेटा, 17 ज्यादा। देख लो कोई संख्या अपनी संख्या अपने का ही 15% से 17 अधिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना, कैंसिल आउट चाउट कर सकते हो, नहीं तो आप वो देख लेंगे इधर आओ, हालांकि 3 से कैंसिल कर सकते थे हम लोग, इसको लिख सकते हैं। तो सर ये एक्स इसको इधर लाओ, सर 3 से कराओगे माइनस क्या हो जाएगा, 3x, 5 से करा रहा हूँ, 5 से 15 हो जाएगा कितना, 20x, देखते रहना बेटा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 17। यहां से बोलिए सर 20x, हम बोले जी माइनस का कितना होगा बेटा 3x और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 20 और इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 70। तो ये 20 से इधर इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ। तो 20x में 3x चला गया कितना हो जाएगा 70x इक्वल टू 17 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 20 होगा। तो यहां से 70 और 70 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20 होगा। अतः लिखो लास्ट में, अतः संख्या बराबर 20, ठीक है। इसको लिख करके आपको यहाँ पे लिख देना, सर ये उत्तर हो गया, डेट्स ऑल, कुछ नहीं करना आपको ना। तो दो मार्क्स में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, आप देख पा रहे हैं। आपके पास ये स्पेस काफी लंबा होता है, तो हम जो कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं आप कैलकुलेशन को इधर भी कर सकते हैं, वो आपको जगह सफिशियंट रहेगा जिसमें आप दो मार्क्स के क्वेश्चन को इजिली जो है सो क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप सभी का क्लियर होगा। आइए कोई देखता है, 4 मार्क्स का सवाल है, क्या पूछा है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो 2019 के क्या पूछा बोला सीजीपीएससी के मेंस में आया सवाल है। 4 मार्क्स के सवाल को कैसे प्रोसीड करेंगे, आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, बेहतरीन खूबसूरत सवाल है, आइए देखते हैं क्या है। चलो सर, एक दुकानदार ने ना 1540 रुपया की दर से 2 रेडियो बेचता है। अब हिंदी में इंग्लिश में पढ़ना, सेल्स टू एन एट द रेट ऑफ इतना, मतलब दोनों को देखो, दोनों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या बेटा यहाँ पे सेम है, यानी 1540 करके दोनों रेडियो को बेचा गया है। जब जिस कीमत पर बेचते बेटा उसको बोलते विक्रय मूल्य, यानी कि इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, दोनों रेडियो का बराबर है। ये बात आप सभी को समझना पड़ेगा। अब आगे बोला कि सर एक को बेचा हो तो 12% का क्या हो गया, बोलो सर एक को 12% पे लाभ पे बेचे, दूसरे को 12% के हानि पर बेचे, तो बोला सर ओवरऑल जो है सो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में, प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस परसेंट नहीं बोला, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं बोला, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बोल रहा है। तो वहां पे अपने मन से कुछ भी काम नहीं करना, जितना बोला गया उसी पे बात करेंगे, राइट। चलिए ध्यान से लिखना चालू करते हैं। हल यानी कि सॉल्यूशन में बात करिएगा, दिया गया है क्या, दिया बेटा 4 मार्क्स में तो दिया गया है ना, दिया है उसको लिखना पड़ेगा क्या, दोनों है ना, देखो दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य कितना दिया बोलो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रेडियो इक्वल टू कितना दिया बोलो 1540, प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा बेटा, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा बोलो 1540, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधा सीधा, अब करूं क्या जी सर इतना, अब देखो लाभ बराबर कितना दिया आपने, लिख लो लाभ बराबर, ये भी तो इसमें दिया हुआ, लाभ बराबर 12% तथा हानि बराबर 12%, जो दिया इसको हम लोग जल्दी से क्या करें, खत्म करते हैं, ठीक है। अब क्या बेटा देखो, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया, तो सबसे पहला कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य आप निकालने का काम करोगे, निकाल लोगे क्या जी, सर बड़ा सिंपल होता वो, तो आ जाइए, तो लिखो पहला फर्स्ट है ना, पहला रेडियो का विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट रेडियो, पहले
ठीक है, पहले रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा पता प्रबंध करो सर, इसका कॉन्सेप्ट था क्या विक्रय मूल्य, इसका कॉन्सेप्ट था विक्रय मूल्य अपॉन, अब पहले पे तो लाभ हुआ बेटा तो नीचे क्या लिखोगे 100 प्लस का लाभ और इनटू क्या होता 100 होता है, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए सभी बच्चों को ना, विक्रय मूल्य अपॉन, अरे वही बात है यार सर 12% लाभ का मतलब 100 का समान कितना भेज दिया 112, तो एक का मान के लिए क्या करोगे तो विक्रय मूल्य अपॉन 112 और गुणे 100 कर दोगे, मतलब सब कुछ वही है जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, वैसा कुछ अलग बात नहीं है, है ना। तो यहां से जल्दी से मान को प्लग इन कर दो सर, ये 1540 हो जाएगा जी, और यहां पे क्या होगा सर 100 प्लस 12 112 और गुणे क्या कर देंगे जल्दी से बताओ, ठीक है सर, तो इसको कैंसिल आउट करो फटाफट से, कितना हो जाएगा फटाफट से कैंसिल कर लें, क्या 4 से करा लो 25 बार में जी, अलग 12 से कट रहा है होल्ड करो, ठीक है 25 से करा लो यार, है ना दोस्तों 4 से करा उसको, 4 × 2 = 8 है ना, देखो बस कितना है 3 × 4 = 32 ठीक है, 4 से करा उसको, 4 × 3 = 12 बच गया 3 × 4 = 32 4 × 5 = 20 और भी कट रहा है क्या सर, अभी भी नहीं कट रहा, नहीं अब टेंशन लेने जरूरत नहीं, 28 से भाग नहीं लगेगा, 14 से लग रहा है क्या, 14 × 2 = 28 कट जाएगा, यहां से कटेगा 14 × 2 = 28 हाँ 14 7 से कट रहा, सब 28 कट जाएगा बेटा और 7 से कटाएंगे, यहाँ पे कटा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कटाना नहीं है भाई, आपको कटाना नहीं है, फिर बता रहा हूँ आप यहाँ पे कटा रहे हैं लेकिन आपको कटाना यहाँ पे इजाजत नहीं होगा ना, तो 28 7 से कटेगा सर 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 4 से कटाओगे 25 बार मतलब फाइनली देखोगे 55 × 25 करोगे तब का क्या होगा 25 × 5 कितना होगा बेटा 25 × 5 होगा 125 का 5 कैरी 12 25 × 5 = 112 112 और यहां से कितना था 125 और 12 137 मतलब 1375 आ गया है, ये जो मैं काट पीट किया हूं आपको रफ लेके करना ठीक है, यहाँ पे आपको रफ में करना सारी चीजें, तो यहां से जो मैं काट पीट किया उसको मैं हटा रहा हूं, आपको क्या करना सीधा यहाँ पे ऐसे लिखना था 1540 एक है ना अपॉन 112 और गुना क्या करोगे 100 जिसको आप सीधा 1375 लिख सकते हो ठीक। अब आगे बढ़ते तो पहली वस्तु का निकल गया क्या हमारा बोलो क्रय मूल्य, आइए दूसरे वस्तु का, दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा जल्दी से बोलो, अरे सर वही बात है दूसरा में तो हानि हुआ है तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, विक्रय मूल्य अपॉन यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन 100 - लॉस यानी कि हानि ठीक है, हानि और इनटू क्या करने वाला हो 100 जल्दी से बताओ क्या होगा सर, ये होगा 1540 में सेल किया है, अब 12% का हानि हुआ तो कितना होगा 88 में बेचेगा ना, और इनटू क्या कर लोगे जल्दी से बताओ 100, तो अब यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ मन में कर सकते हो सर, देखो किससे करा दूं 8 से कराऊं 4 से चलो 11 से कट जाएगा, फिर 22 से कराऊ ना 2200 का 22 से कट रहा है क्या 22 × 6 = 12 और 7 से कटेगा 22 × 7 कितना होगा 7 × 2 = 14 हाँ सही तो है, तो 22 से कटेगा 7 बार में, यहाँ पे कट जाएगा कितना बेटा 25 बार में राइट, तो और क्या कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा क्या चलो 2200 का 22 = 70 है ना, तो सर 25 × 7 कितना होता है जल्दी बताओ सर 2500 × 25 = 75 है ना 175 और यहाँ पे 0 यानी कि दूसरा वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कितना हो गया बोलो 1750, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर ठीक, आगे बढ़े हम लोग चलो 25 × 7 आपको 175 समय आना होगा ना, 25 × 6 = 150 होता है 25 × 175 हो गया जी सर, अब आगे बढ़ते हैं सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं, अजय अब यहाँ पे मैं रफ करूं क्या, यहाँ पे दोनों रेडियो का है ना या फिर कुल क्रय मूल्य, दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य कितना होगा, एक का कितना बोलो 1375 और दूसरे का कितना बेटा बोलो सर ये 1750 तो देखो फटाफट से कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 बढ़िया 7 × 5 = 12 का 2 कैरी कितना हो गया बेटा 1 ठीक है 7 × 3 = 10 और 1 × 11 = 1 कैरी कितना हो गया बेटा 1 और यहाँ पे देखो 1 + 1 = 2 और 1 = 3 यानी 3125 रुपये में आप खरीदे, कितना खरीदे 3125 रुपये, आओ देखते कितना बेचा गया है चलो चेक कर लेते फटाफट से
इसको आगे रफ कर दूं क्या ऊपर से? ठीक है, थोड़ा ऊपर रफ कर रहा हूं। अब दोनों वस्तु का देखो बराबर से विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों रेडियो, दोनों रेडियो का विक्रय, कुल विक्रय मूल्य है ना, कुल विक्रय मूल्य, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ रेडियो इक्वल टू कितना होगा बेटा बताओ? मूल्य बराबर 1540 प्लस का कितना बोलो 1540, तो यहां से कितना हो गया बराबर 3080। ठीक है, अब घटाओ यहां से। तो सब भाई एक 3125 3125 में कोई सामान खरीदेगा और उसको बेचेगा कितना 3080 में, मतलब आप सब बोल दो 45 रुपया का लॉस हो गया। अतः हानि बराबर लिखो, अतः अतः हानि बराबर क्या करोगे बताओ? सर यहां पर सिंपल है ना, 3125 माइनस कितना करोगे बोलो 3080, तो बराबर आएगा 45 रुपया। यही बोल निकालना भी आपको, क्योंकि परसेंटेज तो पूछा नहीं था। अतः हानि बराबर कितना होगा? अतः हानि बराबर कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 45 रुपया का आपको हानि हुआ ओवरऑल, देख लो। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, आप घबराने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन जो हम सामने किए, कैलकुलेशन आपको रफ में करना होता है, ठीक है? आपको रफ में जाके करना पड़ेगा, आपको सिंपली दिखाना है कि 1750 कैसे आया। ठीक है, आओ। तो चार मार्क्स का एक सवाल था, बेहतरीन था, जिसको मैंने स्टेप वाइज फॉलो किया है। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा इस सवाल को आप लोग बना पाएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है। सारे बच्चे देखना, एक आदमी क्या कर रहा है, ऑफिस जा रहा है किससे बोलो? मोटरसाइकिल से। किस चाल से बोलो? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। से रिटर्न जो हो रहा है, जाने का अलग चाल और आने का अलग चाल। आने का क्या चाल है? 40। तो बोला एवरेज स्पीड क्या होगा? अगर आप प्री पॉइंट से सवाल करते तो सवाल को सेकंडों में कर लेते, क्योंकि एक कोई समान दूरी पे जा रहा है और वापस आ रहा है। जैसे आप अपने घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर गए आ रहे हैं, तो घर और ऑफिस या घर और कॉलेज के बीच की दूरी समान होता है। और जब दूरी समान होगा तो वहां पे एवरेज स्पीड हम लोग चाहते तो प्री में से बना लेते कि 2 × S1 × S2। आप लोग सारे बच्चे बात जानते थे, लेकिन कभी ये नहीं जाने कि आया कहां से। आप मेंस में आपको जरूरी है कि जानना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको प्लग इन नहीं कर सकते, नंबर कटेगा वहां पे। तो इस फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं लगा रहे, है ना। आ जाओ, सबसे पहले मानो कि सर है ना, ऑफिस और घर के बीच की दूरी कितना होगा, जल्दी बताओ। हल दिया है, देखो क्या दिया है, ठीक है, चले। घर जाते समय ऑफिस के है ना, जाने में देखो दफ्तर, हिंदी लिखोगे लिख लो दफ्तर या ऑफिस, है ना, दफ्तर जाने की चाल। जाने की चाल कितना दिया बोलो, है ना, जाने का स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, तथा दफ्तर से आने की चाल कितना होगा बोलो? 40 किलोमीटर पर आवर। बात समय आया क्या? जी सर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग माने, देखो जो ऑफिस और घर के बीच की जो दूरी होगी वो तो दिया नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा। माना कि घर तथा दफ्तर के बीच की दूरी बराबर x किलोमीटर है। मान लो बेटा कुछ नहीं दिया, तो ऑफिस और घर के बीच की दूरी कितना है बोलो? x। अब मानो बजाओ सारे बच्चे एक बार कमेंट करना कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर, औसत चाल क्या होता है? भैया औसत चाल बराबर कुल दूरी अपन कुल समय, बस खत्म। तो यहां पे लिखना पड़ेगा, चूंकि औसत चाल बराबर, सारे बच्चे जो एग्जामिनर को कुछ नहीं आता ये मान के पढ़ना पड़ेगा आपको, औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, कुल दूरी अपन कुल समय। क्लियर हुआ क्या? जल्दी से इसको लिखो बराबर से। अब यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहां पे जगह काफी है। कुल दूरी हम लोग एक्स मान ली, लेकिन सर समय तो दिया ही नहीं है सर, समय तो कहीं नहीं दिया दूर दूर। हमारे भूलिएगा मत, समय बराबर क्या होगा? अब सर को पता टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन क्या होता है? स्पीड होता है ना। तो डायरेक्ट आपको कई बार समय नहीं दिया जाएगा, तो इस केस में आपको वहां पर संभाल करके बात करनी पड़ेगी, राइट। चलो तो सर यहां पर दूरी कितना गया बोलो? एक्स। अब चाल कितना था बेटा? 60। तो देखो दूरी को जैसे चाल से यानी स्पीड से डिवाइड किए तो आपको मिल गया समय, राइट।
अब सर समझ आए यहाँ पे देखो, यहाँ पे फटाफट से दूरी आया x और किससे डिवाइड किया, जल्दी बताओ किससे डिवाइड किया, बोलो फटाफट से। सर आने का था 40, सॉल्व करें इसको फटाफट से। आ जाओ यहाँ पे हो जाएगा ये x, नीचे देखो बेटा फटाफट से ये x तो कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा क्या होगा 1/60 प्लस का बोलो बेटा 1/40। अब ये x x तो कैंसिल हो जाएगा आपको पता है, तो यहां से कैलकुलेशन कर रहा हूं औसत चाल बराबर, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा है ना, रहने तो अभी बाद में कैंसिल कर देंगे। सर ये अगर देखोगे तो सॉल्व करो ना, 100 प्लस 100 कितना हो गया देखो ना, ये 100 और ये क्या होगा 100 होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से 100 हो जाएगा, और जो इसकी एलसीएम होगा ना वो कितना होगा बोलो, 60 गुने डायरेक्ट बोलो यार 60 और इसका एलसीएम, कई तरीके सॉल्व करने हैं, तो एलसीएम 120 कर लो, अगर यहाँ पे ऐसे दिमाग नहीं चला पा रहे तो ऐसा कर लो फटाफट से। देखो ध्यान से इनको एलसीएम आपको पता चल गया कितना हो जाएगा बोलो, 60 ये कितना 120, 120 को अगर आप 60 से भाग दो दो बार में जाएगा, और ये जाएगा कितना 3 बार में, मतलब 5। तो अब यहाँ पे ये एक्स एक्स कर जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा ध्यान सुनिएगा सारे बच्चे, ये 120 ऊपर चला गया और ये नीचे कितना रहेगा बोलो 5 हो जाएगा, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो 24, तो 24 एक मिनट ना होल्ड करो, एक बताओ टोटल दूरी कितना था सर, देखो एक्स गए और एक्स आए वापस है ना, देखो यहाँ पे एक्स गए और एक्स आए, टोटल दूरी कितना बड़ा यहाँ पे 2x है, ध्यान रखना थोड़ा सा ना, कितना बड़ा 2x है। हेलो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक चलो आइए, तो आपको यहाँ पे ये 2x लेना पड़ेगा, 2x कहां से बात क्लियर हुआ क्या जी सर, x और x 2x टोटल दूरी है ना, हमने सिर्फ जाने का लिया था आने का दूरी नहीं लिया था, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये x x यहाँ पे क्या होगा 2x, देखो ध्यान से ध्यान सारे बच्चे समझ, यहाँ पे कितना होगा बेटा 2x, तो x और x कट जाएगा तो ये 2 तो ऊपर रह जाएगा ना जी, जी सर, तो अब यहां से क्या होगा बेटा समझो, तो ये तो 5 से कर रहे 24 गुना कितना हो गया 2 मतलब 48, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ये औसत चाल हो गया, अतः औसत चाल बराबर राइट, अतः औसत चाल बराबर, अतः औसत चाल इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, बात क्लियर हुआ क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलिए, तो ये जाकर के आपके पूरे 4 मार्क्स मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होगा आपको, जो मेंस के मेथड को जो नीड है वो आप यहाँ पे उसको बता दिए हो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या हो सकता है, आइए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूं मैं, 8 मार्क्स का ये चैप्टर आपके लिए बहुत नई बात होनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चे इस बात को समझते नहीं है कि पार्टनरशिप इसे चैप्टर से कब क्वेश्चन पूछा था, 2021 में 8 मार्क्स का सवाल पूछा था, बताओ 8 मार्क्स में 21 में पार्टनरशिप आपके सिलेबस में लिख के नहीं दिया है, देखो अब क्वेश्चन पूछा गया है, आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, तो ये 8 मार्क्स से क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे आइए बताते हैं, एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है मैं उसको बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान सुन लेना एक बार, सारे बच्चे एक बार प्रॉपर सुन लिएगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो होती है बेटा प्रॉफिट बराबर होता है क्या, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी कि निवेश गुने समय, लाभ बराबर क्या होगा निवेश गुने समय, इसी कॉन्सेप्ट पर पूरे क्वेश्चन बनाने वाला हूं, दैट्स ऑल। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्या बोला है ना, मीनाक्षी स्टार्ट किया एक बिजनेस को 45,000 के साथ, 3 महीने बाद अनिल ज्वाइन कर लिया उसको है ना, कितना 60,000 के साथ, आफ्टर अनदर 6 मंथ्स उसके और 6 महीने बाद मतलब टोटल 9 महीने बाद सुनील आ गया उसके साथ, कितना लेता है बोलो बेटा 90,000 के साथ, तीन पार्टनर था, ध्यान सुनो तीनों पार्टनर को ध्यान सुन लो, एट द एंड ऑफ द ईयर एक साल यानी 12 महीने का बिजनेस है, 12 महीने बाद ये लोग टोटल प्रॉफिट कितना कमाए बोलो 16,500, तो बोला कि सर सभी का शेयर कितना होगा, सभी के लाभ का शेयर कितना होगा ये बताओ, तो 8 मार्क्स में फ्री में बनाएंगे तो यूं खत्म करते हैं, लेकिन 8 मार्क्स में तो इज्जत तो देना पड़ेगा ना दोस्त, आ जाओ इज्जत तो देना पड़ेगा आपको, तो पहले चलिए मान लेते हैं है ना, दिया है देख लो 8 मार्क्स में तो काफी स्पेस रहेगा, तो आप यहां पर लिख सकते हो दिया है क्या मीनाक्षी है ना का निवेश का निवेश
एक साथ लिख लो क्या, लिखो मीनाक्षी कोमा, आगे कौन आया आपका, इसको और सिंपल करो तो, और कौन आया था, अनिल, मीनाक्षी, अनिल तथा एक और कोई आया ना बाद में, कौन आया था बाद में, सुनील, मीनाक्षी, अनिल तथा सुनील के, है ना, सुनील का निवेश क्रमश, निवेश क्रमश कितना, 45,000, ध्यान सुनना सारी बात, हालांकि अलग अलग भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मीनाक्षी का निवेश बराबर 45, या अनिल का निवेश बराबर 60,000, ऐसे करके हम आराम से लिख सकते थे, सुनील का निवेश बराबर 90,000, और ठीक है ये भी भाषा सही है, 45,000 कोमा 60,000 तथा 90,000 है, 90,000 है, कोई दिक्कत तो नहीं, तीनों के लिख लिए, समय लिख लो, मीनाक्षी का समय सीधा कितने महीने के लिए निवेश किया गया, निवेश का समय जो होता है ना, निवेश समय कितना है, बोलो सर, मीनाक्षी तो पूरा स्टार्ट की थी, हम बोले हाँ, तो जब कोई स्टार्ट करे ना बेटा समझो, अगर कोई स्टार्ट करे तो पूरे पूरे कितना रहेंगे, 12 महीने, तो ये 12 महीना है, देखो यहाँ पे लिखा है ना 12 मंथ, कितने महीने बाद आया था, तो ठीक है उनको 12 महीने निकालना है, 12 महीने, अब सुनो ध्यान से, एक और कौन, अनिल, अनिल का जो निवेश है, निवेश समय है वो क्या होगा सर, 3 महीने बाद आए, बेटा कोई 12 महीने बीच में 3 महीने बाद आए, रहा कितना होगा बोलो, 9 महीने, 9 महीने, ठीक है, अजय अगला, अगला कौन है भाई, सुनील, सुनील का इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ सुनील इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, एनदर 6 मंथ का मतलब और 6 महीने, 3 महीने 6, 9, तो रहा कितना मात्र 3 महीने तक, ठीक है 3 महीने तक रहा होगा, उम्मीद करता ये बात आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है, जल्दी से इसको लिखिएगा फटाफट से, यहां पे हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम लोग सीधा सीधा सवाल को शुरू करते हैं, ठीक आ जाओ, शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चलो इसको यहां पर मैं उम्मीद करते सबने लिख लिया होगा, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, यहां पर लिखना होगा चूंकि ये कॉन्सेप्ट है, क्या लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुने समय, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक, अब आइए सबका निवेश वगैरह निकालना चालू कर दो, ठीक है, देखिए ध्यान से आराम से देखो, यहां पे मीनाक्षी ठीक है, या फिर ऐसा करो मीनाक्षी कुमार अनिल कुमार सुनील का लाभ अनुपात, या लाभ बराबर हो कैसे होगा, कितना लाभ होगा देखो ध्यान से, या लाभ का अनुपात लिख सकते हो डायरेक्ट, थोड़ा मैं स्पेस यहाँ पे ज्यादा ले लिया हूं, मैं थोड़ा पास पास लिख दूं क्या, अच्छा लगेगा आप सभी को ना, तो एक ही बार में, हालांकि 8 मरे से इतना डिटेल जा रहा है, नहीं तो जाते भी नहीं, मीनाक्षी अनिल तथा सुनील का लाभ अनुपात है ना, लाभ अनुपात डायरेक्ट निकाल रहा हूं ना, अनुपात है तो डायरेक्ट ले लो, इसका कितना था बोलो 45,000, कितना था 45,000 गुने क्या करेंगे बोलो 12, अब देखो इसका देखो ये कितना है 9 महीने रहा है, जी सर 3 महीने बाद आया था ना, कितना 60,000 लेकर के, तो अब यहाँ पे क्या करोगे 60,000 गुने क्या करोगे बोलो 9, और आगे यहाँ पे लास्ट में बोलना सर ये 90,000 लेकर आया था और रहेगा कितना मात्र 3 महीने, इसका रेशियो निकालोगे कहीं रफ पे निकालो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से ना, तो अभी आप देख लेते हैं सर फटाफट से आ जाओ, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूं, आपको रफ में जाओ समय ज्यादा बर्बाद होगा, तो मैं यहीं पे बताता हूँ सभी को, आप लोग रफ में जाके काम करने वाले हैं मेरा ये मानना है, हालांकि पहला तो 3-0 कट गया, 9 से कट रहा है यहाँ पे, देखो 9 से कटेगा 10-12 में, 9 से देखो ना पे 9 से कट गया 9 5 45, क्लियर हुआ क्या, है ना, ठीक है आ जाइए, अब यहां से भी बात बोले मतलब
सारे बच्चे ध्यान से, अभी भी सर थ्री से कट रहा है, मुझे कट करा दो, ये थ्री से कट जाएगा जी सर, थ्री से काट दूं क्या, चार के बाद है ना, ठीक चलिए, तो थ्री से कैंसिल कर इसको, थ्री से कट जाएगा ना, कितना बड़ा, 20 टाइम्स करेगा सर, थ्री से करेगा फोर टाइम्स, अभी बात करोगे ये थ्री यहां से कट चुका बेटा, ये वन टाइम्स हो चुका राइट। अब देखो अब पांच से कटाऊ, पांच से कट जाएगा सर, चार बार में पांच से कट जाएगा कितना, टू टाइम्स। तो अगर आप इसका रेशियो अगर निकालोगे देख लो बराबर से, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं सर, ये फोर इस टू कितना बच रहा है सर, यहाँ पे यहाँ फोर ही बच रहा है क्या जी सर, यहाँ पे फोर ही बच रहा है, अच्छा आगे क्या बच रहा है, टू और भी तो कट रहा है सर, दो से करा दो ना सर, दो से करा दो, पहले नौ से करा दिया हम लोगों ने और फिर बाद में हम लोग क्या किए, तीन से करा दिए, तो दो से कराओगे तो अभी भी आ रहा है सर, टू इस टू कितना, टू इस टू कितना हो जाएगा बोलो, वन आ रहा है ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनुपात का रेशियो, मतलब किसका लाभ का, तो अच्छा पुनः माना तीनों का लाभ का अनुपात क्रमशः 2x, 2x तथा x है, x है, अब क्या करोगे, टोटल लाभ को लाभ के बराबर करते हैं, सवाल को खत्म करते हैं ठीक है, उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगा, आइए क्योंकि टोटल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना जल्दी बताओ, कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा सर, 5x, तो 5x बराबर क्या होगा बोलो सर, 5x बराबर होगा ना 165, कितने बराबर बोलो 16500, 5 से कराओ तो यहां से x बराबर क्या निकलेगा जल्दी बताओ, x बराबर क्या निकलेगा सर, 5 से करो ना, 5 3 15 31 पंचे है ना, 5 3 15 33 3300 आ जाएगा ना, x का मान 3300 आ गया जी सर, अब यहां पे आ रहा हूं ना बेटा, x निकल गया सभी का लाभ निकल जाएगा, तो लाभ बराबर दिखाते हैं, इसको रफ कर रहा हूं, आ जाओ इधर, आता मीनाक्षी का लाभ या शेयर बोलो, हिस्सा बोलो या मीनाक्षी का हिस्सा लिखो, वही जो लाभ होगा वही ना शेयर करेगा यार, कितना हो जाएगा 2x, 2x का मतलब क्या होगा, दो गुने कितना 3300, तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो 6600, ये पार्टनरशिप का सवाल को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आगे कौन है भाई बताओ सर, अब तो सुनील बचा हुआ है, नहीं सुनील नहीं, कौन है ये, अनिल, अनिल का हिस्सा कितना होगा बेटा सर, अनिल को भी तो वही मिलेगा 2x, हम बोले हाँ 2x मिलेगा, तो यहां से क्या करोगे बोलो 2 इंटू क्या करोगे बोलो 3300, और ये क्या हो जाएगा बोलो, ये भी हो जाएगा 6600, आखिरी जो है सो वहां पर देखना पड़ेगा आखिरी कौन व्यक्ति है वो ठीक है, आखिरी कौन है एक बार जल्दी से हम लोग चेक करेंगे फटाफट से ठीक है, आखिरी जो है कौन है वो, सुनील का जो हिस्सा है वो x के बराबर है, यानी कि कितना होगा बोलो 3300, कितना बना यहां पे 3300 ठीक है, 3300 होगा, तो 3300 आ गया इसका जी सर, अब सभी का क्या हो गया निकल गया क्या, तो सभी को आप जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ठीक है, तो ये जगह आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब करना तो कुछ नहीं था, इन्वेस्टमेंट टू टाइम का रेशियो प्री के लिए ऐसे मेंस में क्या करना होगा, आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, ये बात आपको समझ जाना पड़ेगा ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, तो गाइस ये आपके ओवरऑल क्वेश्चंस थे, मैं चाहता हूँ एक और सवाल था 10 मार्क्स में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, इसको मैं है ना एक बार इस तरह के सवाल टाइम एंड वर्क का हम करा चुके थे, आइडिया आपको होगा लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ बस ये 2-3 मिनट का समय लेकर के फिर हम बात कर ले ठीक है भाई, आगे बढ़े, इस लास्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के सवाल को बनाना बेहद आसान होता है, एक बार आपको समझनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे क्या है 10 नंबर क्या दिया, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा कुछ दिया, बड़ा कुछ नहीं पूछा कि दो पार्ट में सवाल को मर्ज कर दिया बड़ा है ना, और कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, पहले क्या बोला सर, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर के 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में, तो यहाँ पे सीधा हल में चलेंगे हम लोग सोल्यूशन में, सारे बच्चे कमेंट करना कि सर ये ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना होगा बोलो, 1/12 बस खत्म, देखो ध्यान से सारे बच्चे, b प्लस सी का एक दिन का कार्य, एकदम आपको मेंस पेपर से लिखना पड़ेगा आपको राइट, क्या है यहाँ पे कितना दिन में कर रहे हो लोग, 15 दिन में, मतलब 1/15 कितना हो जाएगा बोलो 15, आखिरी तथा
ए और सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना जल्दी से कमेंट करो सर, 1/20 वन बाई कितना हो जाएगा बोलो, 20 हो जाएगा राइट। अब क्या कह रहा बोलो यहां पे, तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर यहां लिखो, को जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ो तो बराबर से सर, जोड़ेंगे तो क्या होगा हम बोले बोलो, ए और ए 2a, बी प्लस बी 2b और सी और सी 2c, यानी यहां पे क्या होगा बेटा 2a 2 + 2b + 2c, 2 कॉमन करो तो यहां से होगा ए प्लस बी प्लस सी और बराबर यहां से जोड़ो सबको यहां पे सर, ये 1/12 प्लस का 1/15 और प्लस का क्या होगा बोलो 1/20, तो इन सभी का एक बार एलसीएम ले सकते हो सर, ये कितना हो जाएगा बोलो 60 होगा, 60 मतलब ये हो जाएगा क्या 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और ये बेटा 3 हो जाएगा। अगर यहां से ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, 5 × 4 = 9 × 3 = 12, 12/60 मतलब क्या होगा 1/ कितना होगा बेटा 5, 12/60 = 5, लेकिन ये 2 उधर चला जाएगा मतलब समझो, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का काम होगा क्या होगा बोलो, का मान कितना होगा जल्दी बताओ, तो ये 1/ देखो 2 इधर जाएगा, 1/ क्या होगा 10, अतः पहला क्वेश्चन होगा सर तीनों मिलकर के एक काम को कितना दिन में करेगा बोलो, कितना दिन में करेगा जल्दी बताओ, अतः तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करेगा, पहला बात यही खत्म हो गया ठीक। यहां पे मैं स्पेशल करता हूं, अतः ए बी प्लस सी है ना, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करेंगे, एक क्वेश्चन का ये भी था कि तीनों मिलकर कितना करेगा ठीक है, आप समझो ध्यान से, अब बड़ा सिंपल है, अब बहुत सिंपल है बस है ना, बहुत ही सिंपल है, इसको लिखिए जल्दी से, बस 2 मिनट, बस 2-3 मिनट बस मेंस का सेशन ठीक है भाई, आओ अब क्वेश्चन क्या बचा, वापस आओ, तो ये तो हो गया सर कि है ना कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, अब ये बोला सर अगर आल्सो मान लो, अब आगे यहां पर देखिए इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, आल्सो फाइंड दैट इन हाउ मेनी डेज ईच ऑफ ए बी सी, अगर ए अकेले कितना दिन में करेगा, बी अकेले कितना दिन में करेगा और सी अकेले कितना दिन में, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर अकेले ए का निकालो बेटा तो तीनों का, ए बी सी के तीनों का एक दिन में काम काम है, बी और सी घटा दो बेटा, बी और सी घटा दो 1/15 तो आपका क्या मिल जाएगा बोलो, ए का एक दिन का कार्य, तो यहां पर देख लो लिख रहा हूं, ए का एक दिन का है ना, एक दिन कार्य, सारे बच्चे बताना है ना, ए प्लस बी है ना प्लस सी का एक दिन का कार्य माइनस बोलो बी और सी का एक दिन का कार्य, कार्य बात खत्म करो यार, खत्म, दिमाग मत लगाओ ज्यादा ठीक है, तो सर कैसे होगा हम बोले बहुत सिंपल है यार, एबीसी का एक दिन का कार्य 1/10 था और बीसी का है ना एक दिन का कार्य कितना था 1/15, सॉल्व कर ले फटाफट से, तो क्या होगा यहां से सर, ये हो जाएगा एलसीएम होगा कितना यहाँ पे 30, बहुत बढ़िया, ये 3 और ये 2 मतलब सर ये क्या होगा 1/30 मतलब, अतः ए इस काम को अकेले कितना में करेगा 30 दिन में, लिख लो अतः, एक बस दो बातें हैं, अतः ए अकेले इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेंगे, इसी तरह से आपको क्या होगा सी बी का पूछा जाए क्या करोगे, पूछा भी है तो क्या करो, तीनों में से बी छोड़ करके ए सी घटा लेना ठीक है, तो यहां पे मैं एक दूसरा पार्ट हो गया तीसरा, बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य बराबर क्या करोगे जल्दी बताओ, क्या करोगे सर सीधा तीनों का कार्य ए बी सी का मैं लिख दे रहा हूं, भाषा बना लेना, मैं से आपको क्या करना है ए और सी का काम घटाना है सर, ए और सी, ए और सी का काम मतलब क्या होगा बेटा 1/20 घटा लो, तो 1/20 घटा लेंगे तो यहां से क्या बचेगा सर, ये 1/ देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो ध्यान से ये 20 यहाँ पे एलसीएम 20 हो जाएगा जी सर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको, 1/20 ही बचेगा राइट, 20 इधर गया 10 इधर है ना भाई, तो काट दोगे तो आप लोग क्या होगा 200 को सीधा सीधा, तो आ गया सर इतना दिन, इतना दिन अतः बी इस है ना बी अकेले
इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करेंगे, मैं पूरा करेंगे। और आखिरी बोलो सी के बारे में, सारे बच्चे बताओ क्या करोगे। सर अकेले सी का निकालना होगा, एबीसी में क्या करूंगा, सी को छोड़ करके ए भी घटा दोगे, तो आखिरी लाइन यही है यहां पे सी का, है ना। सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर कुछ नहीं कर रहा, तीनों का एक बटे कितना था बोलो, 10। और देखो यहां पे ए बी का कितना, जल्दी से बोलो, 1/12 माइनस करो, बात खत्म। तो यहां से 1/12 जब 12 माइनस कर दोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, मतलब 1/60 लिख लो। अतः अब खत्म हो रहा, अतः सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में पूरा करेंगे, हो गया बात खत्म। तो बेटा 10 मार्क्स आपको इतना सा जाके लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिपीट करते हैं, बात सभी को क्लियर होगा बेटा, है ना, सभी को सारे को स्क्रीनशॉट लेना बराबर से सारे बात, है ना। ये पार्ट था, ये पार्ट था बेटा, यहां से खत्म कर रहे हैं हम लोग। तो ये ओवरऑल गाइस जबकि सेशन थे जो 4 पार्ट में हमने प्रयास किया, जितना हो सकता है हमने इसको क्या किया, आपको एक फाइनल टच देने का काम किया। और जितने बच्चे मेंस देने जा रहे हैं सभी को ऑल दी बेस्ट, पेपर अच्छे से दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन के अप्रोच प्रॉपर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप डेली मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको 11 बजे युवा इंप्लॉयमेंट नाम का यूट्यूब चैनल है जहां पे आप जुड़ सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिशन कमेटी का एक चैनल है जहां पे आपको वन डे एग्जाम की सारी मैथ्स डेली फ्री में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहादुर, जय हिंद जय भारत।